की बात करनी हो तो वी विल बी सेइंग दैट कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस वी वर जस्ट कंसिडरिंग एज एन एग्जाम्पल, एंड इट इज विद अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आप ऐसे लिख सकते हो. और बिकॉज ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, वी मे से दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. नाउ बेटे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज वेल नोन टू यू बेटा. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बेटे 3/2 होता है बेटा, आपने निकाला था पुत्र, यही निकाला था ना. एंड बेटे डियर चिल्ड्रन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, आई थिंक ये आपने 4/3 ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है, ऐसा है बच्चों. सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट विल बी 3/2 एंड बेटे 3/4 इट विल बी 9/8 बेटा. और अगर मैं 9/8 को डियर चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लूं तो इट विल बी 1.125 के करीब आपकी वैल्यू आ जाएगी. आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज समथिंग वेरी नाइस. अब बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहूं, वी कैन आल्सो वर्क दैट आउट, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपका जो था, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दैट ऑफ वाटर. बेटा ये बात हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं. बेटे डेफिनेशन का मतलब है कि ये एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ये दूसरे का है, इनकी रेशो को आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब जब आप बात करते हो तब तब आप एक मीडियम अपना एयर जरूर ले रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट बेटा. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, देखिए कोई भी मीडियम एयर नहीं है, कोई मीडियम एयर नहीं है. जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे, कम से कम एक मीडियम आपका एयर जरूर रहेगा बेटा. ये चीज का आप अपने माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को करते टाइम. हाँ जी पुत्र, हाँ जी, 1. इसको 9 को 8 से डिवाइड करके आपका ये 1.125 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा. आप लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया ये. अब हम बेटे इसमें देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है. आपको याद होगा बिल्कुल बिगिनिंग में हमने कहा था कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसकी रेशियो हमने बोला था बेटे कहीं बिगिनिंग में, चेक कर लीजिएगा. और यहां पे बोला था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन बेटे वाटर. आप इसको रीअरेंज कर लो, सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इसको उल्टा कर दिया मैंने, ऐसे आ गया बेटा, ऐसा है पुत्र जी. एंड सी इज गेटिंग कैंसल्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपको याद है कितना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इट इज 10^8, बिल्कुल ठीक, 2.25 × 10^8 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ग्लास में बेटा, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक. और इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके यूनिट्स भी कट गए, पावर्स भी कट गई, और आपके पास बच्चों बच गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 2.25/2. और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इट हैज गॉट नो यूनिट्स एट ऑल, कोई यूनिट नहीं इसका, यूनिट लेस है. और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी यूनिट लेस ही था बेटा. और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लें, अगर 1.12 बिल्कुल मैच कर जाती है
सो दिस इज विट आर द वे यू कैन गेट इट कैलकुलेटेड. आप चाहे स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में कैलकुलेट कर लो, या आप रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर आपको याद है वैसे कर लो, इट विल बेटा सेम रिजल्ट आपको दे देगा दोनों वे से बेटा, राइट. चलें पुत्र जी आगे. हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कर लिए थे, जरा चेक करिएगा. लिखिए फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग लिख लीजिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा हो गया ये पेपर. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटे बच्चों जरा पहले समझिएगा, फिर आपको मैं वन बाय वन लिखवा भी देता हूं. इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक बेटे बाउंड्री है ये, और ये बाउंड्री बेटे आपके दो अलग अलग मीडिया को सेपरेट कर रही है, एयर को एंड से वाटर को बेटा सेपरेट कर रही है. और ये बेटे हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और ये आपका पॉइंट क्या कहलाता है. वेरी राइट वेरी राइट. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल बन गया जी. और गुड़िया ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड. वेरी राइट, अगेन आपको याद है सबको, इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. ये एंगल आपका एंगल आर कहलाता है. लॉज में हम कहते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड नहीं कह रहा मैं, रिफ्रैक्टेड. दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दीज ऑल लाई इन वन प्लेन. ठीक है जी, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन वन प्लेन बेटा. सेकेंडली सेकेंड लॉ हमें बेटे कहता है, यस बिल्कुल ठीक बेटा, सेकेंड लॉ हमें कहता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑफ द मीडियम आइए देखें बेटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हाँ जी गुड़िया, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. आई मीन टू से दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस गुड़िया, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इस कॉन्स्टेंट को बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये याद रखिएगा. और इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. स्नेल्स लॉ कहता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीडियम, जिसके बारे में आप बेटे बात कर रहे हो. आप उसका म्यू उस मीडियम का आप ले लीजिए, दैट विल गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट बेटा, समझ आ गया सारे. किसके साथ, एन के साथ हमने नहीं करना, नहीं करना हमने. इसको कह रहे हो ना,
बिल्कुल नहीं, एन के साथ आपने लिखना, एन हम किसी और तरीके से यूज करने वाले हैं, ऐसा नहीं करिएगा आप। समझ गए बात? हाँ जी, करो करो बेटे, आराम से करो, कोई बात नहीं है। एन के साथ आप कर सकते हो, लेकिन करना नहीं हमने। राइट, यस, ऑल क्लियर? कोई शक, कोई बात? ऑल राइट देन, चलिए इसके बाद बेटे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हो गया बेटा? यस हाँ जी, राम नाली चल रहे हैं बेटा। हाँ जी, स्नेल्स लॉ। हाँ जी, ये कहती है कि हम तो राम से ही चल रहे हैं, तो राम से ही है बेटे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा। यस देन बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बेटे लाइट की रिवर्सिबिलिटी क्या है, आइए देखें, सोचें समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुड आई गो अहेड विद दिस ऑल? यस ऑल राइट बेटे, ऑल राइट, आइए देखें बच्चों। आपके पास एक बाउंड्री हमने इमेजिन की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बाउंड्री का नाम आपने एक्स वाई बाउंड्री रख दिया, और ये बाउंड्री एयर को और सपोज वाटर को बेटा सेपरेट कर रही है। आप इसको एयर को मीडियम नंबर वन भी कह सकते हो, वाटर को मीडियम नंबर टू आपने बोल दिया। अब ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, यहां पे आके स्ट्राइक किया, यहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, बहुत अच्छी नाइस बेटा। तो ये टुवर्ड्स चला गया, ये आपका एंगल आई, ये एंगल आर, ये पॉइंट ओ बोल दें, ये आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, जो रे ऐसे जा रहा है, रिफ्रैक्शन जिसकी हो रही है, इसके लिए आप स्नेल्स लॉ लगाओगे? वो पॉइंट पे लगवाइए, उठ जाइए। क्या लिखूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखें? पक्की बात है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2:1 बोला है ना, इट इज साइन, और इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया हमने। बैठी जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाला, इसके यहां पे हमने एक बेटे प्लेन मिरर रख दिया ऐसे, और इसको कुछ ऐसे रखा है कि ये प्लेन मिरर इस रिफ्रैक्टेड रे के बिल्कुल नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। राघव, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर? इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? पक्का? मेरी बात आप क्वेश्चन नहीं समझे, और रुक जाइए जरा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। यस, इट इज 0, नॉट 90, नॉर्मल के लॉन्ग नहीं आ रहा ये। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, दैट विल बी अलोंग दिस वे। मैंने आपको जस्ट बोला था कि इस मिरर को आपने इस वे के परपेंडिकुलर ही रखा है, तो नॉर्मल इस रे के अलॉन्ग बन गया बेटे। दोबारा का क्या मतलब है? ये नॉर्मल आपका है तो सही है, दोबारा थोड़ी, एक ही बार है ये, आप इसको भूल जाइए अभी, इस पे फोकस करिए। अब
आपका जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आके स्ट्राइक किया मिरर के साथ, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो रे फिर आपका ऐसे ही वापस चला जाएगा, चला गया वापस। जो रे वापस जा रहा है वो चला गया अभी, तो जो रे वापस जा रहा है उस रे के लिए अगेन ओ पॉइंट पे, राघव जरा स्नेल्स लॉ लगवाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ये लीजिए एयर लिख दिया, ये वाटर लिख दिया, इसको मैं उगड़िया, एक मिनट भाई ऐसे लिख दो, बैठिए आगे। किसके बराबर है ये? साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, वेरी नाइस। ये आ गए दोनों, चले अब आगे, चले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, वन इंटू टू, जरा ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन यहां से आ गया, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू यहां से आ गया, राइट साइड पे साइन आई बाई साइन आर, पक्का देख लो कट गया सारा, एंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज वन बाई ये आ गया। इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम का तो आप विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन निकाल सकते हो, दिस इज एविडेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं एक मैं छोटा सा, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है बच्चों? कितना होता है? अरे होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा? इट विल बी वन बाई ये होगा, दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस, वन बाई फोर बाई थ्री लिखू, इट विल बी पी बाई फोर, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है? वी बाई टू होता है, एंड वट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? देन टू बाई थ्री। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ऐसे नहीं पता बेटा, ये नहीं, ऐसे नहीं नोट बेटा, देख लो बेटा, इसमें कोई आपकी पूछने वाली बात है तो बताइए, नहीं तो चलें आगे। यस, इधर देखो ना आप, करो करो शाबाश, गुड। इसके बाद बेटा हम रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब की थोड़ी सी बात करेंगे। सिलेबस देखा आपने लेटेस्ट के नहीं? हाँ, आई डिलीट हो गया, नहीं नहीं पहले ये देखो, ये प्रिज्म, लिसन डियर चिल्ड्रन, बेटा ये देखना, ये आपका जो है नजर आई बेटा, इसको जरा देखो, कोई आपको इसमें लग रहा है तो बताइए मुझे। एक मिनट बेटे वेट कर लीजिए, इसमें
देखना ये इसमें आपका जो है आगे देखना आगे चल के कि ये आपका बेटे इसमें ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन है कि नहीं। लाइट वाला चैप्टर निकालिएगा, जरा लाइट वाला चैप्टर चेक करिएगा, है जरा बोल दीजिएगा बेटे कौन कौन से टॉपिक्स। यस, इसको नीचे करके बोलो, इसको नीचे करके बोलो माइक को। यस हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हाँ जी, हो गया सब। रिफ्रैक्शन पे आ जाओ ना। हाँ जी, हो गया। अच्छा वो स्लैब वाला है नहीं, देखो ओके बंद कर दो बेटे, ये जरूरत नहीं है उसकी। आइए बेटा डायरेक्टली रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस की बात करें। लेट अस ट्राई टू डिफाइन द टर्म लेंस। बेटे ये एक्टिव होके बैठा कर यार क्लास में, कैसे बैठे हो आप? वी हैव डियर चिल्ड्रन रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। यहां बेटे आप लेंस भी इसको बोल सकते हो। लेंस में से रिफ्रैक्शन बच्चों कैसा होगा या कैसे होगा? सबसे पहली बात तो यह कि लेंस होता क्या है। आप लोगों को डेफिनेशन याद है लेंस का? नहीं, लेंस, हाँ नहीं, इट इज जोड़ के बन गया लेकिन ये डेफिनेशन नहीं बना। आइए मैं डिफाइन कर देता हूं लेंस बेटे जो है। ए लेंस इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। कम से कम ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी कम से कम एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो उसको लेंस बोलते हैं। ए लेंस इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। बेटा हम बेटे यहां पे जो लेंसेज हमारे कोर्स में पढ़ते हैं वी जनरली कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। बेटा ये आपका कन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस बेटा, और ये आपका कंकेव लेंस है बेटा, इस तरीके का कंकेव लेंस। बेटा लेंस चाहे कोई भी हो टर्मिनोलॉजी आपकी बेटे बेसिकली सेम रहेगी। आइए आपको मैं एक बार जो बेसिक्स हैं लेंसेज के साथ रिलेटेड इनके सबके बारे में बता दूं बेटा, गाइड कर दूं। इमेजिन करिएगा ये आपका मैंने कन्वेक्स लेंस फॉर द कन्वीनियंस ड्रॉ किया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका लेंस बन गया जी कन्वेक्स। इसको मैं पॉइंट को एक्स बोल देता हूं, इसको वाई बोल देता हूं पॉइंट को। ये इस कर्व सरफेस का सेंटर है, ये वाली कर्व सरफेस का सेंटर ये वाला है, ये वाली कर्व सरफेस का सेंटर ये वाला है अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस कह सकते हो आप। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अगर कंप्लीट करूं ये कुछ आप देख पा रहे हो, अगर कैसा लग रहा है आपको? स्फेरिकल सरफेस लग रही होगी आपको।
इधर भी आपको स्फेरिकल सरफेस लग रही है, ठीक है। ये अपने माइंड में ही रखनी, बनानी नहीं है हमने, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। इधर इस स्फीयर का सेंटर ये होगा, इस स्फीयर का सेंटर ये होगा, है ना। ये आपके लेंस का सेंटर है, इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन मैंने बना दी, ये इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। मिडल ऑफ द लेंस ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, फोकस इस पॉइंट को बोल देते हैं ट्वाइस ऑफ एफ, फोकस इधर भी होगा ट्वाइस ऑफ एफ बेटा, राइट। तो ये कुछ लेंस के साथ रिलेटेड बेसिक्स हैं, आइए वन बाय वन बात कर लें एक बार फिर से बेटा। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, बिल्कुल मिडल पॉइंट जो है इसका, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये वाले का, ये वाले स्फीयर का सेंटर ये, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन को हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। जितना हिस्सा इसका रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट वी मे बी कॉलिंग एज अपर्चर, जैसे मिरर में बोला था। और ये फोकस है आपका, ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ के बराबर, ये डिस्टेंस भी आपका फोकल लेंथ के बराबर बेटा। और इसके बाद आपको ध्यान देना होगा बेटा, इस केस में आपका जो बेटे कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ एफ जो है वो पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है दिस इज नेगेटिव। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, आइए आपको समझा भी देता हूं। ये सारा समझने के लिए ये आपका कन्वेक्स लेंस बेटा, बेल कितने पे है, हाँ जी अभी है ना टाइम पड़ा, ओके 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 ओके। ये दो आपकी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है बेटा, ये फोकस पे मीट कर रही है, ये पॉइंट आपका फोकस है। जब आप बेटा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस फोकल लेंथ का मेजरमेंट करोगे, आप ऑप्टिकल सेंटर से इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो ना मेजर करने के लिए, तो आपकी रे भी इधर ही है, इंसिडेंट रे, दैट इज वाई वी टेक इट एज इट इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन में आपको एक बार दोबारा याद दिलवा दूं, लेंसेज के केस में आप सारे डिस्टेंसेज यहां से मेजर करते हो ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होते हैं, डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव होते हैं, परपेंडिकुलर अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, बाकी वही है सर, राइट। अब कनकेव लेंस भी देखिएगा, ये आपका कनकेव लेंस है, और एक मिनट पुत्र, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका इंसिडेंट रे, आपको लगेगा कि ये फोकस में से आ रहा है, ये यहां पे आ गया फोकस पे, दिस इज अनदर रे ऑफ लाइट, ये ऐसे चला जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। अब ये फोकल लेंथ, अब आप यहां से मेजर करोगे, जब बेटे ध्यान दो लास्ट स्टूडेंट, इधर आप इधर मूव कर रहे हो, लाइट अपोजिट है आपके, दैट इज वाई फोकल लेंथ इन दिस केस इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, राइट, क्लियर टू ऑल। अब आइए बात करके देखें डिफरेंट रेज यूज टू फॉर्म द इमेज इन द केस ऑफ द लेंसेज बेटा, जैसे मिरर्स में हमने किए थे, लेंसेज में भी हम अलग अलग रेज ड्रॉ कर सकते हैं। आइए एक बार देख लें कौन कौन सी रेज है हम यूज करेंगे बेटा अकॉर्डिंगली। ये आपके पास बेटे कन्वेक्स लेंस है,
जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, आपका ऑप्टिकल सेंटर फोकस ट्वाइस है, फोकस ट्वाइस है, जो रे पैरेलल आ रही है ये फोकस में से पास कर जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। एक आप ये रे यूज करोगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, सेकेंडली ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर फोकस ट्वाइस है, फोकस ट्वाइस है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है इट विल गो अनडिविएटेड, नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाया करता है। ठीक, तीसरा केस है अगर कोई रे आपका फोकस में से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कन्वेक्स लेंस बेटा, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस F2F, अगर आपका रे फोकस में से जा रहा है ऐसे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया इसका, इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन रेज हम बेटा इनमें से कोई दो यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। इनको तीनों को ड्रॉ कर लो पुत्र, फिर हम आगे चलते हैं। आप इन तीनों में से कोई दो रेज जो हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे, इनको ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार। आप कंकेव लेंस के लिए भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, लेट मी ड्रॉ दैट आल्सो। ये आपका कंकेव लेंस है, जो रे पैरेलल आ रहा है डाइवर्ज हो जाएगा, आपको लगेगा फोकस से जा रहा है। ये पहले वाले का केस ये बन गया रेलेवेंट, इसके रेलेवेंट में इसके साथ ही बना देता हूं। ये आपका कंकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर में से अनडिविएटेड चला गया जी। ठीक, और अगर और डाइवर्ज हो जाएगी ना फिर भी, ठीक है बेटे। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, थर्ड में आपके पास ही आपका कंकेव लेंस है, आपने फोकस में से इसको भेजा ऐसे। ठीक है बेटे, ध्यान दो इधर, यही काम करना। हाँ अब ये पैरेलल नहीं होगी, ये और डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, ये कह रहा हूँ। दो ही आप तीसरा यूज ही नहीं करोगे इससे। ठीक है जी, थैंक यू बेटा ऑल, बाकी कल बात करते हैं।